साउथ इंडियन रेसिपीज ज्यादातर ब्रेकफास्ट के तौर पर बनाई और खाई जाती है, लेकिन मेंदू वड़े जो होते हैं वो स्नैक्स के तौर पर और ब्रेकफास्ट के तौर पर दोनों ही तरीके से खा सकते हैं। लेकिन मेंदू वड़ा बनाना आसान थोड़ी होता है, उसके लिए तो घंटों तक दालों को भिगोया जाता है, फिर पीसा जाता है, फिर उसके बाद अगर सही से आपको बनाना आता हो तो बन सकते हैं, नहीं तो बनाने कुछ जाएंगे और बन कुछ जाएगा। लेकिन आज हम बनाएंगे एकदम इंस्टेंट मेंदू वड़े, जो कि होंगे बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से होंगे सॉफ्ट, और साथ ही साथ बनाएंगे एकदम चटपटी सी चटनी जो कि इसके स्वाद को बढ़ा देगी 100 गुना। तो आप जब खाएंगे तो अपनी उंगलियां भी चाटने लग जाएंगे। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, एटीएम शेस पर आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे ये मेंदू वड़ा और चटनी, तो फिर चलिए जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल को गरम करेंगे। तेल के गरम होते होते हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून ये चने की दाल। मैंने यहाँ पर कच्ची वाली चने की दाल ली है, जिसको मैंने अच्छे से सूखे कपड़े से साफ कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा तेल में फ्राई करेंगे। थोड़ी देर के बाद इसमें हम डालेंगे ये 1/4 कप मूँगफली। ये कच्ची वाली मूंगफली है, इसलिए मैं इसको तेल में हल्का सा फ्राई करूंगी। आप चाहें तो इसकी जगह पर रोस्टेड मूंगफली भी ले सकते हैं, और मैं छिलके के समेत इस मूंगफली को यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बिना छिलके वाली मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक। तो ये 1/2 इंच का अदरक है, जिसको छील कर मैंने इसके रफली टुकड़े कर लिए हैं। और फिर इसमें डालेंगे 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, और फिर इसमें हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च के टुकड़े। जितनी स्पाइसी चटनी आपको पसंद है उतना आप इसमें मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन चीज़ों के डालने के बाद हम दोबारा से इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, जिससे कि मिर्च अदरक और लहसुन अच्छे से पक जाएंगे। जैसे ही आपको मिर्च का कलर चेंज होता हुआ दिखेगा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। धनिया को भी हम इसमें थोड़ा सा पका लेंगे, और फिर जब सभी चीज़ों का कलर हल्का हल्का सा बदलने लगेगा तब हम गैस की आँच को बंद कर देंगे, और फिर इस मिश्रण को हमें ठंडा करना है तो ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब सेम कढ़ाई में हम डालेंगे 1.5 कप पानी। आप किसी भी एक ही कटोरी का या कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस जिस भी कप से आप पानी लेते हैं उसी कप से आपको सूजी लेना है। तो ये मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो मैंने इसमें लगभग 1/2 टीस्पून नमक डाला है। अब पानी के अंदर हमें एक अच्छा सा उबाल लाना है। तो ये देखिए आप, पानी अच्छे से उबलने लगा है। तो अब हम गैस के आँच को धीमी आँच पर कर देंगे, और फिर इसके अंदर हम डालेंगे सूजी। तो ये मैंने 1 कप सूजी ली है, और सूजी डालते टाइम आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर आप इसमें सीधा ऐसे ही सूजी डाल देंगे तो फिर सूजी की गुठलियाँ बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि इसको डालते जाएंगे और चम्मच से इसे मिलाते जाएंगे, जिससे कि आगे इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी और सूजी पानी के साथ अच्छे से मिल जाएगी। तो ये मैंने इसमें पूरी 1 कप सूजी डाल दी है। अब आप देखेंगे कि प्यासी सूजी फटाक से सारा पानी पी जाएगी, और आपके देखते ही देखते पानी गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो मिश्रण है ये गाढ़ा हो चुका है, कढ़ाई को छोड़ रहा है, और अब बस हमें इसको इतना ही पकाना है। गैस की आँच को हम बंद कर देंगे, और फिर इसे भी हम ठंडा होने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में या थाली में निकाल कर रख लेंगे। इधर ये जो मूँगफली वाला मिक्सचर है ये ठंडा हो चुका है, तो मैंने इसको ये छोटे वाले ग्राइंडर जार में भर लिया है। और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1/4 कप दही, और इसी के साथ इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद के अनुसार। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम नमक डाला है, जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें डालें। अब बस इसके अंदर ज़रूरत के अनुसार पानी डालते हुए हम इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए, लगभग 2 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल करते हुए मैंने इस चटनी को पीस लिया है। मैंने इस चटनी को ज़्यादा ना तो पतला रखा है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखा है। आपको जिस हिसाब से चटनी बनानी है उतना आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो अगर आपको पतली वाली चटनी चाहिए तो आप इसमें और पानी मिक्स कर सकते हैं। अब इस चटनी को बना लेने के बाद हम 1 चम्मच तेल में 1/2 टीस्पून राई और चुटकी भर हींग डालकर तड़का तैयार करते हुए राई और हींग का तड़का इस चटनी में मिला लेंगे। आप चाहें तो तड़के के अंदर करी पत्ता भी डाल सकते हैं,
और बस इसको अच्छे से मिला लेंगे। और ये हमारी मूंगफली और हरी मिर्च की चटनी तैयार है। आप चाहें तो इस चटनी को बनाकर एक सप्ताह तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं और फिर अपने पसंदीदा नाश्ते के साथ इसके स्वाद के मजे उठा सकते हैं। इधर ये हमारा सूजी वाला मिश्रण भी ठंडा होने लगा है, लेकिन हमें इसको पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है। जब ये हल्का हल्का सा गर्म होगा तभी हमें इसके अंदर मसालों को मिक्स करना है। तो यहाँ पर बस इतना ये गर्म होना चाहिए कि आपके हाथ ना जले। तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, जैसे कि मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 टीस्पून कच्चा जीरा, साथ ही डालेंगे बारीक बारीक कटा हुआ अदरक, ये लगभग आधा इंच का अदरक का टुकड़ा है जिसको मैंने इसमें बारीक चॉप करके डाला है, साथ ही ये 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें डालेंगे और फिर इसमें डालेंगे हम ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसके बाद हमें इसमें और कुछ ज़्यादा चीज़ों को नहीं डालना होता है। आप चाहें तो इसी तरह से इसको बना सकते हैं, लेकिन हम कुछ खास स्वाद वाले मेंदू वड़े बना रहे हैं तो उसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1/2 टीस्पून ओरेगनो, जो कि इस तरह का होता है और मार्केट में आपको इजीली ये मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है या आप डालना नहीं चाहते हैं तो इसके बिना भी आप ये बना सकते हैं। मैं इनको अलग बनाने के लिए इसमें ये प्रोसेस्ड चीज़ का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये 1 चीज़ क्यूब मैं इसमें इस तरह से ग्रेट करते हुए डाल रही हूँ। तो मैंने सिर्फ 1 ही चीज़ क्यूब का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो 2 चीज़ क्यूब भी इसमें डाल सकते हैं। और अब बस इन चीज़ों को हम अच्छे से सूजी के मिश्रण में मिलाएंगे और इसको मसलते हुए इसका सॉफ्ट डो हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से जैसे ही सभी चीज़ें अच्छे से कंबाइंड हो जाएगी तो ये मिश्रण डो की तरह इकट्ठा होने लगेगा। तो ये देखिए, एकदम परफेक्ट हमारा सूजी का डो तैयार है। तो अब हम पहले अपने हाथों को साफ कर लेंगे और फिर हल्का सा तेल लगाते हुए हम इसके मेदू वड़े बनाकर तैयार करेंगे। आप जैसे चाहें वैसे इसकी साइज रख सकते हैं, छोटी या बड़ी या मीडियम साइज की। मैंने मीडियम साइज के मेदू वड़े बनाए हैं। तो बस इस तरह से हम सूजी का ये डो हाथों में लेंगे, हल्का सा इसको इस तरह से बाइंड करेंगे और दबाते हुए हम इसकी बॉल बना लेंगे। फिर इसको हल्का सा चपटा करेंगे और मेदू वड़े की शेप देंगे। तो इस तरह से उंगली से हम इसके सेंटर में होल करेंगे, ये देखिए इस तरह से आर पार हमें इसमें छेद करना है और फिर इवनली इसको शेप दे देंगे। तो ये एकदम आसानी से हमारा रवा मेदू वड़ा तैयार है। बिल्कुल भी कोई मेसी काम नहीं हुआ है इसमें और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये दिख रहा है। तो इसको अब हम एक प्लेट पर रख लेंगे। तो अब ठीक ऐसे ही हम सभी मेदू वड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ हम कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रखेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। और इधर ये मैंने कुछ रवा मेदू वड़े इस तरह से बना लिए हैं। अब अगर आप चाहें तो इनको इस तरह से बनाने के बाद फ्रीजर में स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 सप्ताह के लिए, और फिर जब भी आपको खाना हो तो आप खाने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो अब जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, एकदम सावधानी से हम इसमें ये मेदू वड़े को डाल देंगे। और आप देख सकते हैं कि जो तेल का टेम्परेचर है वो मीडियम हाई होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गर्म और ना ही एकदम ठंडा। तो बिल्कुल परफेक्ट गर्म तेल में आपको इनको फ्राई करना है। एक ज़रूरी बात आप ये ध्यान में रखिए कि तेल में डालते ही आपको इसमें चम्मच नहीं चलाना है। पहले जब ये थोड़ा सा बाहर से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद ही हमें इनको पलटना है। तो अब अच्छा सा कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। क्योंकि ये सूजी के बने हुए मेदू वड़े हैं तो आप इनको जितना अच्छे से फ्राई करेंगे उतने ही ज़्यादा ये क्रिस्पी होते जाएंगे। तो जितना अच्छा इस पर कलर आप लाएंगे उतना ही ज़्यादा क्रंच आपको खाने में मिलेगा। तो यहाँ पर अभी इनका कलर हल्का सा गोल्डन होने लगा है, थोड़ा सा और इनको कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो मैंने इनको इतना फ्राई किया है कि इनका जो कलर है हल्का सा लाइट ब्राउन होने लगा है और मुझे इनका कलर इसी तरह का रखना है। तो बस अब इनका ये कलर आते ही हम इनको तेल में से बाहर निकाल लेंगे और सीधा इनको किचन टिश्यू पर रख लेंगे ताकि इनका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और ठीक इसी तरह से हम सभी मेदू वड़े तेल में फ्राई कर लेंगे। तो आपने देखा कि हमने कितने आसान तरीके से इन दोनों ही चीज़ों को बनाकर तैयार किया है। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और फटाफट से बिना ख़राब हुए आपकी दोनों ही चीज़ें बनकर के तैयार हो जाएगी। हमारी मूंगफली और हरी मिर्च की चटपटी चटनी तो तैयार है, गर्मा गर्म और क्रिस्पी ये रवा मेदू वड़े भी तैयार है। तो जल्दी से ये चटपटा नाश्ता हम सर्व करेंगे। तो हमारे ये सूजी के मेदू वड़े कितने क्रंची बने हैं ये आप ध्यान से सुनना। तो सुना आपने, एकदम क्रंची है। बाहर से इसकी जो ऊपरी परत होती है एकदम क्रिस्पी हो जाती है और अंदर से ये सॉफ्ट बने रहते हैं, साथ ही बिना सोडा के भी ये स्पंजी हो जाते हैं।
तो बिना देर किए आज ही आप अपने घर पर ये चटनी और मेदू बड़े बनाएं और अपने पूरे परिवार के मुंह के स्वाद को बढ़ाएं। इस तरह से ये हमारा टेस्टी चटपटा नाश्ता बनकर तैयार है खाने के लिए। तो आप भी इसे अपने घर पर बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए, सबको ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ईट यमीशेस को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह की रेसिपीज़ मिलती रहें। और नए रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस स्वादिष्ट नाश्ता एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यमीशेस।